हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मखाने का उपयोग और उससे होने वाले फायदों के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, मखाना स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह एक ऐसी खाने की वस्तु है जिससे पुरुष की सेक्स संबंधी समस्या दूर हो जाती है। मखाने में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे पुरुषों में कामोत्तेजना बढ़ती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, फास्फोरस नामक तत्व पाए जाते हैं। आज हम आपको मखाने के गुणों और उसके उपयोगों के बारे में जानकारी देंगे। नंबर एक, प्रमेह के रोग के लिए। मखाने की खीर बनाएं, लेकिन इसमें चीनी के स्थान पर मिश्री को पीसकर डालें। इस तरह से तैयार की हुई खीर को खाने से प्रमेह का रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा मखाने को यदि घी में भूनकर खाया जाए तो दस्त ठीक हो जाते हैं। नंबर दो, एक छोटे से अध्ययन से यह मालूम हुआ है कि पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मखाने का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से पुरुषों में कामोत्तेजना बढ़ती है। नंबर तीन, मूत्र रोग के लिए। रोजाना 2 से 3 ग्राम मखानों को गर्म पानी के साथ खाने से मूत्र रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा मखानों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसका सेवन करने से बॉडी फिट रहती है। नंबर चार, अगर किसी व्यक्ति को तनाव रहता है और नींद अच्छी नहीं आती है तो ऐसी अवस्था में रात के समय मखाना खाकर सो जाए, इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर पाँच, कमजोरी को दूर भगाए। मखानों के सेवन करने से दुर्बलता दूर हो जाती है और शरीर पुष्ट बनता है। गर्भवती महिला को प्रसव के बाद बहुत कमजोरी महसूस होती है, इस कमजोरी को दूर करने के लिए मखाने का उपयोग करना चाहिए। नंबर छह, मखाने की खीर बनाकर खाने से पुरुषों में कामोत्तेजना बढ़ती है और सेक्स करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर नियंत्रण रहता है। इसके अलावा घुटनों और कमर के दर्द में भी राहत मिलती है। यदि शरीर का अंग सुन्न हो जाए तो मखाने का सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको दी है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।